सोमवार को एमपी के राजगढ़ जिले में अखिल भारतीय धाकड़ युवा संघ ने जिले के सभी थाने में ज्ञापन सौंपा है। साथ ही जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के अनुसार अखिल भारतीय धाकड़ युवा संघ की मांगे हैं कि विगत दिनों में समाज के दो युवा अपनी वेबसाइट परीक्षा देकर अपने घर लौट रहे थे, तभी उनके साथ रात्रि 11 बजे खुजनेर व संडावत के बीच रोड पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराए और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसको लेकर लापरवाही ट्रैक्टर वाले पर उचित कार्यवाही हो, मृतक के परिजनों को सहायता हो, सभी लोडिंग वाहनों पर रेडियम व रिलीफ टेप लगाना अनिवार्य हो। जिला कलेक्टर तथा एसपी ने कहा कि उचित कार्यवाही और आर्थिक सहायता की पूरी कोशिश रहेगी तथा एक सप्ताह के अंदर सभी लोडिंग वाहन ट्रैक्टरों पर रेडियम रिलीफ टेप नहीं लगाए जाने पर उचित कार्यवाही होगी। एक तो अर्जुन और एक रामदयाल, दोनों बहुत ही दर्दनाक तरीके से वो घटना हुई। उसमें 3-4 घंटे पड़े भी रहे लेकिन किसी ने उठाया नहीं, लेकिन रात्रि का समय था। तो एक जागरूकता अभियान हम सब लोगों की तरफ से पूरे जिले में चलाया जाए, ऐसी अपनी योजना है। ऐसे में हम श्रीमान सीआई साहब को आवेदन देने आए हैं ताकि देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।